आज CBSE 10th क्लास का पेपर था, इंग्लिश का पहला पेपर था, इंग्लिश का पेपर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो बच्चे हैं किस तरह से 12:30 बज चुके हैं और बच्चे जो है पेपर दे के बाहर आ चुके हैं। और बच्चों से रिव्यू देखते हैं। आपका नाम? अनुराग। कौन से स्कूल से आए आप? बेनिंट स्कूल सेक्टर 48 में। तो आज आपका इंग्लिश का पेपर था, तो आप जब पेपर शुरू होने से आधा घंटा पहले आपको कैसा लग रहा था? सोच रहे थे पेपर थोड़ा मुश्किल आएगा, हो नहीं पाएगा, तो लेकिन जब जैसे पेपर आया तो हमें बहुत खुशी हुई कि पेपर भरना बहुत अच्छा गया है। ये सब आते थे तो क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिला आपको, सबसे पहले आपने कौन सा सेक्शन देखा उसमें? हमने सेक्शन ए ही देखा कि सेक्शन ए सबसे आसान था। और सबसे आसान किस कौन सा सेक्शन लगा आपको? सेक्शन ए। और सबसे टफ कौन सा सेक्शन लगा? सेक्शन सी। उसके बाद अब कैसा लग रहा आपको? अब देख के अच्छा लग रहा है, अब आगे कोई डर नहीं रहेगा कि अगला पेपर हमारा कैसा रहेगा, अगला पेपर भी ऐसे ही होना चाहिए। अब आगे के लिए क्या स्टडी है? जो अगला कौन सा पेपर है आपका? मैथ का। तो उसके लिए क्या तैयारी करेंगे अब आप? कैसे तैयारी करेंगे? तैयारी तो हो रखी है, बस थोड़ा रिवीजन करनी है, तैयारी सब हो चुकी है हमारी। आप भी सेम स्कूल? हाँ जी। ठीक है, तो आपको आधा घंटा पहले कैसे लग रहा था? बहुत नर्वस था, बहुत डर लग रहा था, लाइक पेपर कैसा आएगा कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। अच्छा, क्या अच्छा। करूँ। और जब क्वेश्चन पेपर आपको मिला तो सबसे पहले आपने कौन सा सेक्शन देखा? सेक्शन ए करा, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, वो एंड टाइम तक खत्म हो जाती है। और फिर आपको सबसे आसान कौन सा सेक्शन लगा उसमें? सारे एक सेक्शन आसान थे, कोई मुश्किल नहीं कुछ लगा। कोई भी कुछ नहीं मुश्किल लगा, बस टाइम की कमी थी और कुछ नहीं। ठीक है, और अब कैसा लग रहा है पेपर देने के बाद? कि पेपर आप कह रहे हैं कि आसान था, तो अब क्या लग रहा है कि आप कितना स्कोर कर जाओगे इसमें? 85%। और अब अगले पेपर के, अगर मैथ का पेपर है तो उसके लिए क्या तैयारी है आपकी? उसके लिए सारी तैयारी हो रखी है, बस दिन में रिवीजन करनी है 8 hours या 10-12 hours। ठीक है, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू। आपका नाम? शिवनंदन। तो आप आज आपका इंग्लिश का पेपर था, इंग्लिश के पेपर शुरू होने से आधा घंटा पहले आपको कैसा लग रहा था? पहले थोड़ा नर्वस था, सोचा था डिफिकल्ट आएगा, पर थोड़ा आसान सा आया। अच्छा अच्छा। उसके बाद पेपर मिलते ही सबसे पहले आपने कौन सा सेक्शन देखा उसका? सेक्शन ए, ए ही देखा था। उसमें सबसे आसान क्या लगा आपको, कौन सा सेक्शन? पैराग्राफी लगा और क्वेश्चन आंसर से लगे। और टफ क्या लगा सबसे उसमें? टफ लगी थोड़ी सी लीव से आई थी, वो थोड़ा टफ लगा था। ठीक है, ठीक। अब कैसा लग रहा है आपको? अब थोड़ा ठीक लग रहा है, बाहर आके पेपर में थोड़ा नहीं होता। अब अगले पेपर के लिए क्या स्ट्रेटजी है, क्या तैयारी है, कैसे तैयारी करो? एग्रीकल्चर का अगला, उसके लिए तैयारी है। अच्छा, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। तो अब हम एक और बच्चे से रिव्यू जानते हैं कि आज उनका इंग्लिश का पेपर कैसे हुआ। आपका नाम? अभिनय ठाकुर। आप कौन से स्कूल से आए हैं पेपर देने? मैं बेनेंट्री 48 भी। ठीक है, आपका आज इंग्लिश का पेपर था, तो इंग्लिश का पेपर स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले आपको कैसा लग रहा था? आधा घंटा पहले नर्वस फील कर रहे थे, घबराहट हो रही थी, वैसे पेपर मिलने, क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले। उसके बाद क्वेश्चन पेपर मिलते ही अच्छा था पेपर, ईजी था काफ़ी। तो क्वेश्चन पेपर में सबसे आसान सेक्शन कौन सा लगा आपको? ऑलमोस्ट सारे आसान थे वैसे तो, पर देखा जाए लिटरेचर पार्ट थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा। ओके ओके, ठीक है। तो अब कैसा लग रहा है पेपर देने के बाद, कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी इजी पेपर था।